आज हम बात करने वाले हैं अगर आपका स्नैपचैट एप्लीकेशन पर आईडी बनाते टाइम या फिर अपना पासवर्ड रीसेट करने के टाइम ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपके नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप स्नैपचैट एप्लीकेशन से बाहर आइए, उसके बाद अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स को ओपन करके नीचे स्क्रॉल करिए और आप नीचे आएंगे तो नीचे आकर आपको मिलेगा ऐप्स का ऑप्शन। ऐप्स पर क्लिक करिए। ऐप्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आएगा ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन, तो ऊपर ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करिए। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे आकर आपको मिलेगा स्नैपचैट। अगर इस टाइप से नहीं मिलेगा तो ऊपर आप सर्च पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप सिंपली टाइप करिए स्नैपचैट, उसके बाद स्नैपचैट पर क्लिक करिए। स्नैपचैट पर क्लिक करके यहाँ पर आएगा फोर्स स्टॉप, इस पर आप क्लिक करिए। नीचे फोर्स स्टॉप पर फिर से क्लिक करिए, उसके बाद स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करिए। यहाँ पर उसके बाद आएगा क्लियर डेटा, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर ओके पर क्लिक करिए। उसके बाद बैक आइए, फिर से बैक आइए। अब यहाँ पर आप सर्च करिए मैसेजेस, उसके बाद मैसेजेस पर क्लिक करिए और मैसेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप करिए। नीचे फिर से फोर्स स्टॉप पर क्लिक करिए। अब नीचे आइए, स्टोरेज यूसेज पर क्लिक करिए, क्लियर डेटा करिए, ओके करिए। बैक आने के बाद आपको मिलेगा परमिशंस का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा अलाउड और नीचे आपको मिलेगा नॉट अलाउड। तो अलाउड में ये जो परमिशन आ रही हैं ये आप अपने फ़ोन में चेक करिए कि आपके फ़ोन में ये परमिशन चालू है या नहीं। और बैक आना है फिर से। अब अपने फ़ोन को एक बार आप रीस्टार्ट करिए, उसके बाद चेक करेंगे आपका स्नैपचैट पर ओटीपी आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।